नमस्कार, फिर से एक नई कड़ी, एक नई श्रृंखला के साथ भारतीय राज व्यवस्था को लेकर हम आपके समक्ष टारगेट विद आलोक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डॉक्टर ज्योति सिंह आपका स्वागत करते हुए, ये बात आपसे मैंने पिछले ही लेक्चर में बताई थी कि हम एक श्रृंखला को लेके आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन का इतना इंपॉर्टेंट श्रृंखला है जो आपको कई जगह मिलने वाला है। जैसे आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सारे प्रश्न कहीं ना कहीं मिलेंगे, यही सोचकर हमने इन प्रश्नों का कलेक्शन किया है और आपके साथ इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सारे एग्जाम्स में काम करेंगे, चाहे आप टीचिंग के कोई भी प्लेटफॉर्म पे एग्जाम दे रहे हैं या इसके अतिरिक्त यूपीएसआई हो, आरओ हो, सिविल का हो, ये सारी जगह काम करेंगे। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। देखिए क्वेश्चन पे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न सांविधानिक प्राधिकारी है, कौन होता है? सवाल मेरा यही है कि किसी जाति अथवा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कौन घोषित करेगा? तो कहा जाता है भैया, अनुच्छेद 342 ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है कि जिस राज्य का कोई जाति है, संबंधित राज्य के जाति के संबंध में उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा क्या करेगा भारत का राष्ट्रपति, ऐसी जातियों को या तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति घोषित करेगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम, काका कालेलकर, बीडी शर्मा, बीआर अंबेडकर। तो याद हो आपको और आपने पढ़ा भी है कि भैया पिछड़ी जाति ऐसी जातियां होती हैं जो समाज की मुख्य धारा से अलग होती हैं। इन्हें समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इनका विकास किस प्रकार किया जाए, इन सब पहलुओं पर चर्चा कौन करेगा, इन सब पहलुओं पर भारत के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति क्या करे, राष्ट्रपति इसके लिए किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण आयोगों का गठन कर दे और गठन करने के बाद राष्ट्रपति इनके विकास को से देखे, जिसके बारे में भारतीय संविधान के भाग 3 में 15 के खंड 4, 16 के खंड 4 और अनुच्छेद 340 स्वतः राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है, इसके माध्यम से इनके प्रावधान किए गए हैं। इसी के तहत पिछड़ी जाति के लिए आयोग का गठन जब हुआ था तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में जनवरी 1953 में गठित हुई थी। कब गठित हुई थी? जनवरी 1953 में। और दूसरा जो या तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये कब गठित हुआ था? तो भैया ये 1979 में बीपी मंडल के अध्यक्षता में गठित हुआ था। इसलिए प्रथम पिछड़ा वर्ग के कौन हो गए? काका कालेलकर। कौन हो गए हैं? काका कालेलकर। क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, संसद और राज्य विधान मंडल में महिलाओं के 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसकी बात करता है। इसका मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है। कारण क्या कहता है? कारण कहता है चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके
33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ये दोनों बातें आपके समक्ष हैं क्वेश्चन थर्ड के माध्यम से। अब बताइए, क्या संसद और राज्य विधान मंडल में महिलाओं की भूमिका के लिए 33% का आरक्षण में संशोधन करना आवश्यक नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए ये गलत है। होना चाहिए जब लगे कि इनका प्रतिनिधित्व तो कम है, इन्हें विकास मिलना चाहिए, इन्हें आरक्षण दिया जाए तो देना चाहिए। दूसरा, आपको पढ़ाते समय भी बताया है, विभिन्न राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का किसको दे दे, महिलाओं के लिए नियत कर दे। हमने आपको बताया था पंचायत राज व्यवस्था के समय ऐसा हुआ था, पंचायत राज व्यवस्था में भी ये कंडीशन शामिल हुई थी। इसका मतलब एक गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 4 ले लीजिए। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारे अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन, उनके कार्यों की बात की गई है, तो ये अधिकार किसके हाथ में है? निर्वाचन आयोग अथवा चुनाव आयोग के हाथ में है कि वो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? आर एम निकम, एस के बेदी, वी एस रमा देवी, जी डी दास, कौन थी? ये देखिए, इसका आंसर होगा वी एस रमा देवी। ये एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थी, आप कह सकते हैं भारत ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थी, कौन? वी एस रमा देवी। ये इनका कालखंड था 1990, इन्होंने 13वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है तथा 9वीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। क्लियर हुआ? कौन थी? वी एस रमा देवी। इसलिए आंसर कौन सा सही है? सी सही है। क्वेश्चन 6 आइए। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जिसे आप VVPAT का नाम देते हैं, इसका संस्करण क्या है? VVPAT, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये क्या है? ये ईवीएम के साथ जुड़ी हुई एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जुड़ी हुई एक मशीन होती है, एक यंत्र होता है जो निर्धारित करके आपको बताता है, यानी यही आपको सूचना देता है, यही आपको दिखाता है कि आपने जो अपना मत दिया है वो किसको दिया है। अर्थात ये जो स्लिप निकालता है, आप ईवीएम बटन का प्रयोग करते हैं, ये स्लिप निकाल के घोषित कर देता है कि आपका मत किसको गया है। कौन देता है? VVPAT के माध्यम से आपको मिलता है। और याद रखिएगा, ये क्या करता है, इसका जो संस्करण है वो M3 है। क्या है? M3, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति।
तो याद रखिए अनुच्छेद 103 कहता है कि सांसदों के अयोग्यता से संबंधित मामले की जांच करने के बाद निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करता है और राष्ट्रपति क्या करता है इस पर अपना निर्णय देता है। जब अयोग्यता का मामला आएगा तो ये आएंगे, दल बदल का मामला आएगा तब लोकसभा अध्यक्ष आएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, राज्य विधानसभा अध्यक्ष के, किसके समकक्ष होता है। ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है, वेतन भत्ते भी इनके समान होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया भी इन्हीं की प्रक्रिया द्वारा दिया जाता है। साबित कदाचार, साबित कदाचार तो समकक्ष किसके हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष हुए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किसके माध्यम से, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा या 72वें संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा क्या किया गया है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया और क्या कहा गया कि अब मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या होगी, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 की बात करें, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में क्या सम्मिलित है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल में भैया हम अपने जो भी हमारे लोकप्रिय नेता है राज्य विधानमंडल में, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे ये नेता, लोकप्रिय नेता राज्य के प्रमुख बने, राज्य के मुखिया बने, सीएम बने, हम क्या करते हैं उन्हें ही तो मत करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं और वयस्क मताधिकार के आधार पर करते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी सही है, केवल एक निर्वाचक सूची, ढेर सारे नहीं बनेंगे, उसी में आपका नाम होगा और कैसे होगा, धर्म जाति लिंग इन सब से परे होगा, इसका मतलब तीसरा पॉइंट भी सही है। और फिर क्या होगा, जो भी मानक है, जो मानक आपको राजनीतिक दल बनाते समय मिले थे वो मानक स्थापित करने का मूल कर्तव्य आपका है और आपको इस बात की स्वतंत्रता है, अर्थात 10 का D सही है जो चारों मानकों को पूरा करता है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, काउंसिल एक्ट 1909, किसके द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो आपको पता है कि लोक सेवा आयोग गठित हुई है 1919 के द्वारा, जब शब्द होता संघ लोक सेवा आयोग, जब शब्द होता संघ लोक सेवा आयोग तब ये क्या होता, तब ये होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था, ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ लिए जाते हैं, मिलियन बैथ्यू, रोज मिलियन बैथ्यू। इनका कार्यकाल 1992 से 1996 तक था, इनका कार्यकाल 1992 से 1996 तक था। क्वेश्चन 13 देखिए, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है,
यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं। यह राज्य लोक सेवा आयोगों की वार्षिक निर्देश की देखरेख करता है और रिपोर्ट भेजता है। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? भैया राज्य लोक सेवा आयोग से इसका कहीं भी कोई संबंध नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये संघ लोक सेवा आयोग है, इसका कार्य अपने है। ये एक और राज्य लोक सेवा आयोग एक अपनी अलग संस्था है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन 14 देखिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, साथ में जोड़ दीजिए अध्यक्ष भी, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? देखिए भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक में लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। 315 कहता है एक संघ लोक सेवा आयोग होगी तथा अनेक राज्यों की अपनी एक राज्य सेवा आयोग होगी। अब ये कहा जाता है, चाहे इनके अध्यक्ष की बात कर लीजिए, सदस्य की बात कर लीजिए, कौन नियुक्त करेगा? तो ये करेगा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे। किसके द्वारा? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होंगे। क्वेश्चन 15 देखिए। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अभी अभी मैंने ये सवाल आपको बताया भी, क्वेश्चन 14 के माध्यम से ये सवाल मैंने आपको बताया भी कि संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र राज्य संबंध किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा कि भैया केंद्र राज्य संबंध से अगर किसी का संबंध दिखता है तो वो किसका दिखता है? सरकारी आयोग का। और इसके पहले एक और आयोग बनी थी, पुंछी आयोग। इसके पहले एक और आयोग बनी थी, पुंछी आयोग। यानी दो आयोग इसमें कार्य करेंगे, सरकारी और पुंछी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोधी दसवीं अनुसूची। आप भी जानते हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो ये सवाल है। राष्ट्रीय विकास परिषद आप भी जानते हैं, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सब का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष पीएम होता है। कब गठित हुआ? 6 अगस्त 1952 को गठित हुआ। तो क्लियर हो रहे हैं? ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम के समय जरूर कहीं ना कहीं टकराएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 19। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अभी मैंने बताया नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया।
अरविंद पन घड़िया। क्लियर है ये? क्वेश्चन 20 आइए। एक एक क्वेश्चन अपने में एक अलग अलग तरीके की इंपॉर्टेंस लिए हुए है और कई जगह से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इसीलिए कोशिश की कि आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाएं। संविधान के किस प्रावधान अथवा अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, यानी जब भी कोई कर लगाया जाएगा वो सरकार द्वारा नामित होकर वो विधि बनेगा, सरकार द्वारा विधेयक पारित करके लाया जाएगा तभी वो कर के रूप में लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं। कौन कहता है? अनुच्छेद 265 कहता है। अनुच्छेद 265 कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं और 21 देखिए। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो बताते हैं? आप भी जानते हैं 5 नागरिकता की ओर बढ़ता है, जहां नागरिकता की बात की जाती है, जन्म द्वारा नागरिकता। 4 भाग 1 में है जो राज्यों के संशोधन का स्पष्टीकरण करता है। 56 तथा 57 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अब आ जाइए सीधे हम लोग बात करें तो ये कौन करता है? 245 तथा 246 कौन करता है? 245 तथा 246 ये एक राज्य को अधिकार देता है और एक संसद को अधिकार देता है, यही दोनों। और ये न्यायपालिका में है, ये न्यायपालिका में है। अर्थात आंसर कौन सा हुआ? आपका आंसर डी हुआ। चोरी की योजना बनाना एक संज्ञेय अपराध है। अपने आप में कोई अपराध नहीं है, कठोर आपराधिक दायित्व है, एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र ही तो है कि मिलकर चोरी किया जाएगा, संपत्ति लूटी जाएगी। क्या है ये हम किसी षड्यंत्र का ही तरीका बना रहे हैं? उसी को पूछा गया कि चोरी की योजना बनाना क्या है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 की किस धारा में गैंग रेप का अपराध दंडनीय है? धारा 376 घ, धारा 376 घ। अब इसको देखिए, यहां आप ख कर लें, यहां आप ख कर लें और यहां भी आप ग कर लें, यहां आप ख कर ले, यहां आप ग कर ले। अब देखा जाए, अब इस सवाल को देखते हैं। क्लियर है ये? यानी अगर इसे ख और ग करने ऑप्शन को, तो इस सवाल को देखा जाए। कहा गया दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 376 घ के रूप में ये दंडनीय है और इसके लिए 20 वर्ष कारावास है और जुर्माना भी लग सकता है और ये कारावास बढ़ाया भी जा सकता है। कहां तक? या तो 20 वर्ष तक अथवा ये बढ़कर कहां हो जाएगा? आजीवन कारावास। क्वेश्चन 24 आइए। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, तो वह उस कार्य को करता है। एक को रॉन्गफुल गेन और एक को रॉन्गफुल लॉस की बात की जा रही है, प्रॉफिट और लॉस, वो भी किससे? गलत तरीके से। तब वो क्या करता है?
तो भैया वो कार्य बेईमानी पूर्वक ही करता है, तब वह कार्य बेईमानी पूर्वक ही करता है, एक को लाभ दे रहा है एक को हानि, और दूध क्या कर रहा है वो भी गलत तरीके से। यौन उत्पीड़न के किस भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, यानी यौन उत्पीड़न को किस भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय बनाया गया है? धारा 354, धारा 354 का, धारा 354 का, धारा 354 ग। तो याद रखिएगा इसको धारा 354 क के तहत दंडनीय बनाया गया है। भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है? राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी, उपर्युक्त, दोनों, शासकीय अधिवक्ता। तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार के अपराध की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं सबसे अपर तत्व पे जाएगी, अपर पद पे जाएगी। ये किसके पास है? तो ये राजपत्रित अधिकारी द्वारा इसको क्या किया गया है, ये पूरा अधिकार इनके पास है कि वो विवेचना करे और ये किसको वो सुपुर्द करे। किसके पास अधिकार है? राजपत्रित अधिकारी अर्थात गजिस्टर्ड ऑफिसर। क्वेश्चन 27 देखिए, भारतीय दंड प्रक्रिया के अंतर्गत धारा एवं उनके विषय को सुमेलित कीजिए। धारा 62 सम्मन की तामील कैसे की जाए, बिल्कुल सही है। धारा 60 अपराधियों के निकल भागने पर पीछा करने और पकड़ लेने की शक्ति, बिल्कुल सही है। धारा 61 सम्मन का प्रारूप, ये भी सही है। तो भैया गलत क्या है? धारा 58 में कमी है। धारा 58 कहती है पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करके रिपोर्ट बनाना, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करके रिपोर्ट बनाना, इसलिए क्या सही है? डी ही है, जो अपने विषय से सुमेलित नहीं है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य दिए गए हैं? संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य दिए गए हैं। धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। धारा 7 कहती है कि भैया चिकित्सीय सुविधाओं का कर्तव्य, चिकित्सीय सुविधाओं का कर्तव्य। अब बात करते हैं धारा 8 की बात की जाए, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति धारा 7, धारा 8, अब धारा 9 देखिए। धारा 9 कहता है संरक्षण अधिकारियों का कर्तव्य, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके बारे में कहता है। और ये धारा 10 संरक्षण अधिकारियों को सेवा प्रदाता, इसका मतलब 2005 के जिस धारा में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य दिए गए हैं वो धारा 9 है। क्वेश्चन 29 देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में प्रयुक्त उक्ति सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में कहां मौजूद है? मूल मसौदे में है, 1870 के संशोधन अधिनियम में है, उसमें कदापि नहीं है, 1986 के संशोधन में है, 1870 के संशोधन अधिनियम में है, 1870 के संशोधन अधिनियम में है। क्वेश्चन 30 देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी अथवा एनिमल शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 3,
धारा 2-1, धारा 2-3, धारा 2-2। तो याद रखिए, प्राणी शब्द अथवा पशु शब्द धारा 2-1 में परिभाषित किया गया है और कहा गया है प्राणी अथवा पशु सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी रेंगने वाले जंतु, जलीय जंतु, ये सब कौन है? ये प्राणी या पशु के अंतर्गत आएंगे। उसमें उभयचर प्राणी भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, सब आएंगे। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। एक तरफ सूची एक है, दूसरी तरफ सूची दो है। सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, उत्प्रेरण, बेईमानी का आशय, चोरी, दुष्प्रेरण, संयुक्त दायित्व, प्रतिनिधिक दायित्व, ये दोनों तरफ दिए गए हैं। अब हमें आपको इसको देखना होगा। देखिए, ए सामान्य आशय, भैया संयुक्त दायित्व, सामान्य आशय, हम सब का ज्वाइंट ये लायबिलिटी थी। हम लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया था, एक करेगा तो माना जाएगा कि सब कर रहे हैं। तो ए का थर्ड है, ए का थर्ड है। अब बी देखिए, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य कहता है प्रतिनिधिक दायित्व। भीड़ इकट्ठा करिए, भीड़ इकट्ठा करिए, और जब आप विधि विरुद्ध भीड़ जमा कर रहे हैं तो माना जाएगा कि अब आप सबकी ये कैसी है, प्रतिनिधिक दायित्व। आपने भीड़ इकट्ठा किया था, किस उद्देश्य से किया था? विधि विरुद्ध कार्य के लिए किया था, इसलिए बी का फोर हुआ। सी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण क्या करता है? ये किसी अपराध के लिए आपको प्रेरित करता है, ये अपराध के लिए आपको प्रेरित करता है। और डी बेईमानी का आशय क्या है? आपके मन में बेईमानी है तभी तो आप चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब 3-4-2-1 सही आंसर है, 3-4-2-1 सही आंसर है। बलात्संग की पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 228, धारा 228 का, धारा 376 का, धारा 376 का। तो धारा 228 का कहता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मीडिया के लिए कहा और अन्य लोगों के लिए कहा, समाज के बहुत से प्रबुद्ध वर्ग के लिए कहा कि एक तो वैसे ही वो यौन हिंसा से पीड़ित है और उसकी पहचान प्रकट करके आप क्या कर रहे हैं, उसे मानसिक रूप से और पीड़ा दे रहे हैं, इसलिए इस पर क्या किया जाए, ये धारा दंडनीय हो जाएगी। आप अगर जैसे कभी होता नहीं, मुजफ्फरनगर में ये घटना घट गई, कश्मीर में ये घटना घट गई, दिल्ली में ये घटना घट गई, इस लड़की के साथ ऐसा हुआ, इस महिला के साथ ऐसा हुआ, और अगर आपने फोटो लगा दिया तो उजागर कर दिया पहचान, इसके लिए 228 का लाया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ये केवल आईपीसी ही नहीं, सीआरपीसी ही नहीं, एविडेंस ही नहीं, हम आप पढ़ चुके हैं, ये भारत के संविधान में भी है, ये एक मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान में कार्य कर रहा है, ये एक मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान में कार्य कर रहा है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 अनुच्छेद 21 में इसको शामिल किया गया। यहां तो है ही, अनुच्छेद 21 में भी इसको शामिल किया गया है। क्लियर है? ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि महिला कर्मियों के साथ यौन हिंसा जो है वो क्या की जाएगी, लैंगिक समानता का विरोध माना जाएगा और इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में भी मान्यता मिल गई है। चोरी का अपराध दंडनीय है, चोरी का अपराध दंडनीय है, 378 में चोरी की परिभाषा है, 379 में दंड का निर्धारण है, दंड का निर्धारण है।
380 क्या कहता है? 380 कहता है जब आप घरों में या किसी भी स्थल में घुसकर, घर में घुसकर, कारखाने में घुसकर, दुकान में घुसकर, ऐसी जगहों पर घुसकर चोरी करते हैं। और 383 जबरन वसूली की बात करता है, जब आप ऐसा करते हैं। ये सब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसमें आपको 3 वर्ष सामान्य सजा प्लस जुर्माना, 3 वर्ष सामान्य सजा प्लस जुर्माना। और जब आप इस प्रकार की हरकत में पाए जाते हैं इन दोनों वाली कंडीशन में, तब ये अधिकतम 7 वर्ष और जुर्माना तक पहुंच जाता है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 117 में कहा गया है कि जब कभी भारत की संचित निधि से किसी भी प्रकार का वहन होना है, तब ऐसे संबंधित जो भी मामले होंगे राष्ट्रपति की सिफारिश से ही जाएंगे। ये कहां पे है? अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है। क्लियर है? ये कुछ ऐसे प्रश्न थे, ऐसे प्रश्नों का संकलन था, हम लोगों ने ऐसे कलेक्शन आपके सामने लाए जिससे कहीं ना कहीं आपको कुछ आसानी हो जाए और चीजें ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इनमें से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। इसी उम्मीद के साथ हम एक श्रृंखला आपके लिए दिवाली विशेष लेकर आए हैं। त्योहार भी मनाइए, तैयारी भी करिए, अपने को मजबूत बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि त्योहार के बाद जब आप लौटेंगे अपने लक्ष्य की ओर, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन में रह जाए कि हम लक्ष्य से कुछ हट गए थे। हम इसी वजह से हमारी कोचिंग ने सोचा आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपकी त्योहार की खुशियों के साथ ये डबल धमाका हो जाए जो आपको मिले। तो ये तैयार करते रहिए। और वैसे भी बैच में जो हमारे अपने स्टूडेंट है, प्रैक्टिस तो हम लोग लगातार करा रहे हैं। बाकी ये कुछ कलेक्शन आपके लिए दिवाली के समय घर पर एंजॉय करिए, देखते रहिए। और इसके अलावा ये याद रखिए, दिवाली भले ही आ गई त्योहार जश्न धमाके की, लेकिन जितने आप सुरक्षित होंगे, आपसे आपका आसपास का वातावरण सुरक्षित होगा, उसी से क्या होगी, आपके सभ्यता और आपके शिक्षित होने का पहचान होगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।